भोजपुरी में देखा जाए तो पवन सर के जैसा ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है देख लीजिए भैया पवन सिंह के जैसा लड़का चाहिए साथ देख क्योंकि पवन सर के साथ स्टार्टअप रहा है मेरा तो पवन सर से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो हर कोई चाहता है उनके साथ स्मार्ट हो टैलेंटेड हो कौन नहीं चाहेगा ऐसा हस्बैंड हो मेरा जब वो सामने आए थे मेरे जब मैं शूट कर रही थी दुण तो, दुण तो, दुण दुण तो दुण मतलब दुण मैं एक नज़र देख रही थी उनको क्योंकि मैं उनकी भोजपुरी में उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ हर कोई फैन है उनका तो मैं उनको एक नज़र देख रही थी देखती गई देखती गई मतलब मेरा मन ही नहीं भर रहा था उनसे क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ बिकॉज आज पूरा करके जाए अपन मन कि धान भले धुआ हो जाए हाँ मैं पवन सर तो नहीं बन सकती बट थोड़ा बहुत आता है क्या? नमस्कार आप देख रहे हैं भोजपुरी आप सबका भाई गौरी शंकर इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ संजना मिश्रा जी हैं कैसी हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ आप लोग बताइए कैसे हैं बहुत अच्छा सबसे पहले पटना में नजर आ रही है क्या बात है पटना का बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कल शो हुआ हमारा और बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का किस चीज़ का शो था शो हमारा रिलायंस कंपनी का था और इस इवेंट में हम लोग आए हुए थे जी 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 बात कर ले भैया अगर इनको आप नहीं पहचाने होंगे तो मैं फिर से इनका एक बार इंट्रो दे दूं। ये वही है जो पिछले साल धन धुआं हो जाए यानी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ पिछले साल धन धुआं कर दी थी मार्केट में इस बार कौन सा धन धुआं कर रही है इस बार तो हीरोइन चल रहा है हमारा हीरोइन चल रहा है क्या बात है वो भी नील कमल जी के साथ जी वो गाना भी ट्रेंडिंग में भी है और जितने लोग हैं उस गाने को प्लीज जाके वॉच करें क्या बात अच्छा सबसे पहले ये बताइए आप पावर स्टार पवन सिंह जी से कैसे जुड़े थे इस गाने को लेकर पवन सर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होता है ना बहुत टाइम के बाद कोई अच्छा आर्टिस्ट मिलता है हम लोगों को तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बट पवन सर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मेरा वो ऑडिशन हुआ था एक छोटा सा ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई थी तो सर के साथ मुझे गाने मिला था जी जी, जी जी मतलब क्या लगा कि काम करके कैसा लगा ऐसा नहीं लगा कि भोजपुरी के बड़े बहुत बड़े सुपरस्टार हैं लोग उनको कहते हैं मूडी हैं थोड़ा डर सा नहीं लग रहा था कि इनके साथ सॉन्ग करने जा रही हूँ यार मन में कैसा लग रहा था आ, थोड़ा सा डर था जरूर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूंगी क्योंकि एक होता नहीं एक फ्रेशर के सामने एक एक्सपीरियंस बेस्ट आर्टिस्ट खड़ा हो जाए तो एक वो जिगहााहट रहती है कि कैसे करेंगे वन टेक एक्टर है हमारे सामने और हम अभी सीख रहे हैं तो अच्छा बहुत लग रहा था बट डर बहुत था जब वो आए तो उन्होंने बोला कि आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ डोंट वरी मैंने कहा ओके सर तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ों में हमारा मतलब वो सेट पे कैसे थे किस तरह का उनका बिहेव था लोग उनको कहते हैं कि बहुत सारे पवन सिंह के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह के वो हैं आप तो उनके साथ काम किए हैं वाखूबी से जानते होंगे पवन सर के साथ मैंने काम जब किया है तो ऐसा नहीं लगा कि हम किसी स्टार के साथ खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा था कि हम ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं बट पवन सर के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को भी मुझे मिली है तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था कि उनके अंदर एटीट्यूड हो ईगो और ऐसा कुछ भी नहीं था बहुत मजा आया काम करके सभी टीम को क्या बात अभी हाल ही में उनका एक गाना आया है कमडिया पतरे पत्रे आपने सुना है हाँ जी सुना है पवन सर के तो हम खुद ही फैन है उनके सारे गाने सुनते हैं क्या बात है इसमें आप होने नहीं चाहिए था कि संजना मिश्रा जी इस गाने में हो सर एक अपना ये कंपनी का होता है अच्छी बात है देखिए सबको हाँ। चांस मिलना चाहिए और मुझे इससे कोई वो नहीं है और सभी लोग करते रहे आगे हमारे साथ उनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें देखने को मिलेंगे हम आप लोगों को क्या बात अच्छा ये बताइए आपका आँख ये नेचुरल है हाँ ये मेरी आँखें नेचुरल है ऐसा पहली बार हुआ है जो इंटरव्यू में आँखों का पूछा जा रहा है ये मेरे है पता है इस गाने में धंधुआ हो जाए मैं अक्सर फैंस जो है ना ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये लड़की लेंस लगाई है फिर भी इसका आँख इतना ज्यादा चमक क्यों क्योंकि लेंस से भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा था तो इसलिए ये फैंस का जानना था कि क्या इस गाने में आँख उनका नेचुरल है मेरी आँखें नेचुरल है और कुछ लेंस वगैरह नहीं लगाया गया था बाकी तो अब देख ही रहे धंधुआ में मेरा पहले तो बिना देरी किए भाई हमारे दर्शकों के लिए दो लाइन वो गाना हो जाए जिसके लिए हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज पूरा करके अपन मन की धान भले धुआ हो जाए हाँ मैं पवन सर तो नहीं बन सकती बट थोड़ा बहुत आता है क्या बात है तो चलिए बात अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा मोरूंगा आपने शुरुआत कब किया था इंडस्ट्री लाइन में आने का ये शुरुआत मेरी एक डांस से हुई थी और मैं बेसिकली बैली डांसर हूँ और लखनऊ की रहने वाली हूँ तो लखनऊ में शोज़ वगैरह करती थी और मैं धीरे धीरे मैंने क्राउड किया इन वो बैकग्राउंड किया तो फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलने लगी रील रील में आने के लिए तो मैं धीरे धीरे यही करती रही बात है भोजपुरी में कैसे सोचा आना चाहिए सर अपॉर्चुनिटी मिली मुझे भोजपुरी में आने के लिए मैंने मैं ऑडिशंस बहुत देती थी ऑडिशन देना और बाकी वैसे नॉर्मली ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी ऑडिशंस लखनऊ में होते थे मैं सभी ऑडिशंस देती थी तो वहाँ से एक ये भी ऑडिशन आया हुआ था तो ये भी मैंने दिया तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था अच्छा ये बताइए जिस तरह से गाना किया बहुत बहुत लोगों ने पसंद भी किया गाने करीबन सौ मिलियन क्रॉस हुई होंगे मिलियन मिलियन है 50 है यानी गाना क्रॉस तो क्या फिर से कोई ऑफर आया है पवन सिंह जी के टीम के तरफ से कि संजना मिश्रा जी को फिर से गाना करना है आ, सर एक बार आया था बट इतफाक से मैं इलाहाबाद का इवेंट कर रही थी और मैं जा नहीं पाई क्योंकि वो भी एक इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था तो बहुत अफसोस था इस बात का बट नेक्स्ट टाइम और अभी आ रहे हैं तो वो देखिएगा क्या बात है घर वाले किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको सर घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है स्पेशल मेरी का मैं आज जो भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ काफी माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और बाकी तो फैम, मतलब घर पे सभी करते ही है।, सपोर्ट, बट मम्मी का मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है उनको तो स्पेशल थैंक्स जाता है मेरी तरफ से क्या बात है अच्छा ये बताइए कुछ अब पर्सनल लाइफ में जाऊंगा बॉयफ्रेंड है देख लो भाई ये गलत हो रहा है ये कला तो रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं होता है फैंस को थोड़ा बताइए क्योंकि वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यार इसके लाइफ में कोई ना कोई इतनी सुंदर है आप ऊपर से आंखें न सिली यानी जितनी तारीफ करें उतना कम है आम, सच बोलते हैं आशिक बहुत है बट बॉयफ्रेंड कोई नहीं है, कोई, नहीं है। <laughs> कोई पसंद आया आ, नहीं कोई पसंद भी नहीं आया है और पसंद भी नहीं नहीं पसंद नहीं आया कैसा चाहिए लड़का कैसा चाहिए मतलब ऑप्शन में दे दूं भोजपुरी का कौन से स्टार की तरह लड़का चाहिए आपको होना चाहिए तो लड़का अब भोजपुरी की स्टार में सर मैं किसी को बोलूंगी नहीं नहीं, एक तो होना चाहिए कि नहीं यार इसके जैसा चाहिए हर हाँ लड़की का कोई ना कोई राजकुमार होता है मेरा भी राजकुमार मेरे अंदर है हम देखा जाएगा अच्छा पब्लिक को नहीं बताएंगे नहीं ये सरप्राइज है फैंस है आपके <laughs> रूट जाएंगे भोजपुरी में देखा जाए तो पवन सर के जैसा ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है देख लीजिए भैया पवन सिंह के जैसा लड़का चाहिए सर्थ देख क्योंकि पवन सर के साथ स्टार्टअप रहा है मेरा तो पवन सर से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो हर कोई चाहता है उनके साथ स्मार्ट हो टैलेंटेड हो कौन नहीं चाहेगा ऐसा हस्बैंड हो मेरा बात है यानी कि भैया पवन सिंह जैसा हस्बैंड चाहिए संजना मिश्रा जी को ये बात गौर से सुन लीजिए यानी कि अगर पवन भैया सिंगल होते तो शादी कर लेते नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो मैम उनकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ और कहते ना फैन मतलब इतनी बड़ी वाली फैन हो कि जब वो सामने आए थे मेरे जब मैं शूट कर रही थी तो मतलब मैं एक नज़र देख रही थी उनको क्योंकि मैं उनकी भोजपुरी में उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ हर कोई फैन है उनका तो मैं उनको एक नजर देख रही थी देखती देखती गई मतलब मेरा मन कि कि ही पवन सिंह इसके बारे में अच्छा ये बताइए फैंस से क्या कुछ कहना चाहते हैं जो इस गाने को खूब सारा प्यार दियो और कहीं ना कहीं फैंस भी इस वीडियो में कमेंट जरूर ही करेंगे कि भैया संजना मिश्रा जी को फिर से आना चाहिए पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ हाँ मेरा फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और गाने को फिफ्टी मिलियन तक पहुँचाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा मुझे क्या वाँग? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए संजना मिश्रा जी आज हमारे साथ भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस संजना मिश्रा जी थी जिन्होंने भैया पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ धन धुआं है तो किया ही है अगर इनको आप फिर से पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ देखना चाहते हैं तो भैया कमेंट बॉक्स में जाइए और भर दीजिए कॉमेंट बॉक्स को कॉमेंट्स से कि फिर से अगर इनका जोड़ी पसंद आए तो और वी को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भोजपुरी नेशन <laughs> भोजपुरी नेशन <laughs> क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए संजय मिश्रा देखते रहिए भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरीशंकर बहुत बहुत धन्यवाद